हाथ से वो उतार दे रहे हैं ये पुल को हाथ से, ये देखिए हाथ से, देखिए दिखेगा दिखेगा, ये देखिए देख जा रहा है। ये लोग तो इतना पतला से अपने घर का लेटरिंग का ढलैया नहीं करवाते, करवाए हैं। विकास भाग गया, कहाँ कहाँ भाग गया? विकास भाग गया नीतीश कुमार जी के पास। गांव के लोग चाहिए गौर कर चीजें देख लीजिए, मोगी चाहिए भैया, सब मिलके उठा उठा रहे हैं। देखिए एक बार देखिए देखिए यही बनावट है, देखिए जरा बेटा भी नहीं देख पाएगा। नहीं नहीं कहाँ से देख पाएगा, 6 साल में 25 आदमी मरा, 3 बारी पुल गिरा कहा। इस वक्त उसी हम पुल पर हैं जो पिछले साल गिर गया था, और इस साल भी कल शाम में फिर से धराशायी हो गया। हमारे साथ रवि भट्ट हैं, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो पुल पे अभी हम लोग पटक के देखेंगे और कितना एमएम का यहाँ पे ढलैया हुआ वो सब देखेंगे। अच्छा ये बताइए पुल क्यों गिर गया है? भ्रष्टाचार हो रहा है, ये अनपढ़ है, ये गंवार है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, सब 12वीं फेल है। इन लोगों को पता है यार कि छत का और सर जो है पुल का ढलाई कैसे होता है। ये लोग हमको पटक पटक के दिखा रहे हैं कैसे फट जा रहा है। ये लोग तो इतना पतला से अपने घर का लेटरिंग का ढलैया नहीं करवाते, करवाए हैं नहीं करवाए ना? इनको जरा दिखाइए तो, चलिए जरा दिखाइए जरा पटक कैसे कैसे टूट जाता है। लोग देखना चाहते हैं, दिखाइए जरा, देख हाथ से वो उतार दे रहे हैं ये पुल को हाथ से, ये देखिए हाथ से, देखिए दिखेगा दिखेगा, ये देखिए देख लीजिए कैसे सीधा। इससे इतने अच्छा तो हम यार इससे बढ़िया जो है क्वालिटी से अपने घर का हम छत का ढलैया करवाए हुए हैं। देखिए सरिया दिखने लगा इनके उठाने के बाद, सरिया एक बार देखा जाए, इनके उठाने के बाद सरिया दिखने लगा। कितना एमएम में सरिया होगा? ये 20 एमएम है, हमको लग रहा है 20 एमएम से है, 16 एमएम है ना? कितना कितना इंची, कितना इंची ढलैया हुआ होगा? मात्र वही हमको लगता है 2 इंच। कितना इंची ढलैया है? 2 से 2.5 इंची। 2 से 2.5 इंची मात्र, एक बार देख लीजिए यहाँ पे 2 से 2.5 इंची ढलैया होगा, ज्यादा नहीं है। कितना है बीच में छोटा छोटा 10 एमएम का छर घुसाया गया है, 10 एमएम का छर, 20 एमएम के बीच में 10 एमएम देख लीजिए। छिपा करके भ्रष्टाचार कैसे किया जा रहा है? 8 एमएम 10 एमएम का छड़ इसमें छिपाया गया है और मोटा छड़ ऊपर देके झांप दिया गया है। दिया गया है। विकास कहाँ है वही खोजना कि विकास है कहाँ, ये बताइए भैया। भाग गया विकास, भाग गया कहाँ कहाँ भाग गया? विकास भाग गया नीतीश कुमार जी के पास। विकास पीएम बनने के लिए देश भर में भ्रमण कर रहा है, देश भर में भ्रमण कर रहा है पीएम बनने के लिए। विकास में समा गया, विकास गंगा में समा गया। विकास जो है ना, अच्छा अपना घर बनवाते हैं आप? नीतीश बाबू को कहिए कलकत्ता घूमेगा, ममता जी से भेंट करेंगे, वहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पुल पे क्या काम है उनको? अभी चाहिए वो मोदी वाला टोपी, वो संभव नहीं है। नीतीश बाबू अपना घर का ढलैया आप करवाते हैं तो इससे मजबूत रहता है कमजोर रहता है? ओ सर जी दारू के नशा करवाए के लिए करवाए हुए हैं, भैंस का छत के लिए इससे बढ़िया करवाए हुए हैं, भैंस का छत के लिए। इतना इतना मोटा सड़क तो यार जो है गांव का पीसीसी सड़क बनता है, ये लोग पुल बना दिया है। ये लोग जापान का टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, मटेरियल यूज कर रहा है बिहार का। यहाँ देखिए एक बार, यहाँ देखिए देखिए कैसे भैया दिखा रहे हैं, दिखाइए एक बार जरा। गाँव के लोग गोर कटी देख लीजिए, मोगी चाहिए भैया, सब मिलके उठा उठा रहे हैं। देखिए एक बार देखिए देखिए यही बनावट है, देखिए जरा यही बनावट है, यही पुल पता चल देखिए इसमें, देखिए आप लोग यही घर है, 5 एमएम का छड़ छिपा दिया है ना, 5 एमएम का छड़ देखिए यही है, यही है मेरा भ्रष्टाचार और विकास। विकास यही था जो खोज रहे थे, विकासवा मिल गया, यही विकास है। देखिए नीतीश बाबू को दारू के बाद और किसी में विकास नहीं दिख रहा है, सब चीज दारू 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 के बाद और कोई काम है? कह रहे हैं कि हम बन जाएंगे ये मोदी। हाँ मोदी कितना बरियार है, एक बार इसको पटक के देख कितना बरियार है। ढेर पटकवाइएगा, वीडियो वायरल हो जाएगा, पुलिस आ जाएगा, हमने पटकेंगे, पुलिस आ जाएगा देख लिए। लेकिन लेकिन विकास मनीष कश्यप भैया के फेर में सब कोई जेल गया है, नहीं हम नहीं बोलेंगे। बहुत मतलब डर लग गया आपको? डर नहीं लगता है, पूरा डर रहे ना, कुछ होता है बकरियों के उसमें फंसा देगा। सच बोला तो जेल गया, जेल गया क्या बोला था? दिखाएंगे तो जेल नहीं जाएंगे। हम लोग तो विकास को खोद लिए कि पतला छड़ नीचे छिपा हुआ है। हम लोग सर जी जीरोक्स करने वाले, गाय खवाने वाले लोग, कुछ हो जाएगा कल बच्चा कौन देखेगा? मनीष भैया कौन रहा है वो? इसीलिए डर गए आप लोग, क्या दिखाइएगा ना, दिखाइएगा। देख लीजिए सरकार से डर कितना है कि ये लोग जो है ना भ्रष्टाचार को दिखाने से भी डर रहे हैं, पटकने से भी डर रहे हैं, क्या भैया क्या कहिएगा? देखिए रहे हैं, सच बोलने वाला जेल में गए, यहाँ जो और सच बताएंगे तो। सब युवक दाढ़ी भी नहीं पक्का है, देखिए कितना बेचैन है, अपने नौकरी रोजगार के लिए यहाँ खड़े हैं, पुल पे चढ़ेंगे, पुल 2 घंटा लगेगा, पुल खड़ा नहीं हुआ था सोचे थे भैंसिया का दूध बेच के पोस लेंगे बच्चा, बहन चोत पुल खड़ा हो रहा है, कहाँ से बच्चा पोसाएगा?
जाने नीतीश। कितना कितना दिन में तैयार होगा, क्या अनुमान है? मेरा बेटा नहीं देख पाएगा, अब हम तो नहीं है देख पाएंगे बहन। अच्छा, हाँ। बेटा भी नहीं देख पाएगा? नहीं नहीं, कहाँ से देख पाएगा, 6 साल में 25 गो आदमी मरा, 3 बारी पुल गिरा, कहाँ से खड़ा हो जाएगा? अब 7 नंबर का पारी है, अब 7 नंबर गिरेगा, 7 नंबर पाया का पारी, 7 नंबर गिरेगा, कैसे पता गिरेगा? गिरेगा, भ्रष्टाचार दिखा, हिल रहा, वो भी हिल रहा, हाँ वो भी गिरेगा, वो भी गिरेगा, गिरेगा। अच्छा एसपी सिंगला जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी आजीवन के लिए बैन लगना चाहिए कि नहीं? बैन लगना चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लाइसेंस रद्द होना चाहिए ना। निर्माण इसी में होना चाहिए कि फिर से शुरू होना चाहिए? नया फिर से नया शुरू होना, दूसरा कंपनी को इसमें लाना चाहिए, दूसरा कंपनी को लाना चाहिए। यस यस, देखिएगा साल 2 साल में उप गिरेगा, वो भी 7 नंबर पाया। मनीष भैया जब यहाँ आए थे तो कह के गए थे, बोला 5 साल के अंदर में गिरेगा, बोला था कि 5 साल में अंदर, 5 साल के अंदर गिरेगा, गिरेगा। मनीष भैया जो कहे थे वो हो गया, वो हो गया, मनीष भैया एक साल के भीतर हो गया। अभी अगर वो बाहर रहते तब क्या मंजर होता है बताइए? वो आते फिर से, वो तो न्याय करते हैं जनता का, गरीब का न्याय करते हैं मनीष भैया। सच हरदम खड़ा में जेल गया है, सच दिखाने में, सच दिखाने में जेल गया है, बाहर रहना चाहिए ना, बाहर उसको रहना चाहिए। वो आज रहता था चाहिए यहाँ के स्थानीय विधायक 2 बार सदन में उठाए इस चीज का मुद्दा। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, आने वाले समय में किसको चुनिएगा? क्या बजे टीवी में देखो, क्या बोले, आने वाले समय में किसको चुनिएगा, कौन सरकार को बनाइएगा? मोदी सरकार, मोदी सरकार। और बिहार में कोई सरकार, बिहार का पार्टी बनी चुनिएगा? मोदी है, सगरे मोदी है, कोई सब सरकार बनी जाती है, वो ज्यादा बेटर होती है। क्या इससे अच्छा हिजरा का सरकार बन जाता, वो ज्यादा बेटर होता, इससे अच्छा हिजरा। अगर मनीष कश्यप अपना पार्टी लेके आए तब क्या करिएगा? वो मनीष भैया नहीं जाएगा इसमें, इसमें जाएगा ही ना, इसमें आएगा ही नहीं। अगर आ गए तो क्या कीजिएगा? आएगा तब देखा जाएगा। 100% मनीष भैया जीतेगा, आएगा तो 100% मनीष भैया जीतेगा। जीतेगा कि सरकार बना देगा? पूरा सरकार बना देगा, बिहार में सरकार बना देगा, बना देगा, पूरा दबा के साथ कह सकते हैं, दबा के साथ है बिहार में पूरा सरकार बन जाएगा मनीष भैया। देख लीजिए आम पब्लिक का इतना ज्यादा विरोध है, यहाँ विकास को खोजा जा रहा था, मोटा छड़ के अंदर पतला छड़ को छिपाया गया था, ये सुल्तानगंज के आगवानी पुल से सीधा आपको दिखा रहे थे। बाकी कैसा लगा वहाँ पर, यहाँ सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत